नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे इंजन के बारे में जो छोटा होने के साथ ही साथ अपने जो बराबर के इंजन है, इनलाइन इंजन है, उनसे छोटा भी है, हल्का भी है और उनसे 3 से 4 गुना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, जिससे कि ये इंजन जो है लाइट वेट एयरक्राफ्ट यानी एयरप्लेन के इंजन में भी यूज़ किया जाता है। इंजन के तौर पर इसको मरीन इंजन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, इसको कार में भी यूज़ किया जाता है, इसको बाइक तक में यूज़ किया जाता है। तो आज उस इंजन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो इंजन जो है वो उस इंजन को कहते हैं ड्यूक इंजन। बेसिकली ये इंजन काम कैसे करता है, इसमें जैसे आप मान लीजिए कि इनलाइन 5 सिलेंडर इंजन है कोई, बस आप उसको फोल्ड करके एक शाफ्ट, जैसे ये इंजन जो बेस्ड है आपका, ये आपका एसी कंप्रेसर जो कार में लगता है उसके ऊपर कम्प्लीटली बेस्ड है। उसमें भी एक सेंटर शाफ्ट होती है, उसी के किनारे किनारे 5 पिस्टन जो हैं वो चलते हैं। तो एक तो ये इंजन कॉम्पैक्ट भी हो जाता है और साथ ही साथ हायर आरपीएम पे भी चला जाता है, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि इसमें जो थर्मोस्टेट यानी जो थर्मल स्ट्रेस निकल रहा होता है ये उसको भी बढ़ा देता है। सपोज़ मान लीजिए कि कोई गाड़ी बहुत जल्दी गर्म होती है, गर्म होने के बाद बंद हो जाती है, लेकिन इसमें ये एफिशिएंसी आपको मिल जाती है, यानी इंजन काफ़ी जल्दी ठंडा भी हो जाता है और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा पावर प्रोड्यूस भी करता है, क्योंकि ये इंजन जो है आपके कार की एसी कंप्रेसर की बिल्कुल उसी तरह काम करता है। तो इसका जो शाफ्ट है या जो क्रैंक शाफ्ट है ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है, बस इसमें एक चीज़ जो है क्रैंक शाफ्ट अलग से लगता है टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, यानी जो काइनेटिक एनर्जी निकल रही होती है उसको वापस स्टोर कर ट्रांसमिशन तक पहुंचाने के लिए उस वहाँ पे फ्लाई व्हील और जो है आपका क्रैंक शाफ्ट वहाँ पे यूज़ होता है। और इस 5 सिलेंडर के इंजन में एक बेस्ट बात क्या है कि इसमें 3 इंजेक्टर और 3 स्पार्क प्लग हैं, यानी 5 सिलेंडर के ऊपर 3 स्पार्क प्लग हैं, 3 इंजेक्टर हैं और 3 एग्जॉस्ट यानी और साथ ही साथ 3 इंटेक जो मैनिफोल्ड है वो इसमें लगता है। और इस इंजन में बेस्ट पॉइंट क्या है कि अगर आप इसको ऑटोमोटिव इंजन के तौर पे यूज़ करते हैं, ऑटोमोटिव इंजन के तौर पे यूज़ करते हैं या किसी कार के इंजन में या फिर बाइक के इंजन में, तो बेस्ट पॉइंट यहाँ पे वो हो जाता है फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी यानी जो भी स्पार्क इग्निशन वाले फ्यूल है वो सारे फ्यूल जो है इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। सपोज़ मान लीजिए आपके पास CNG अवेलेबल है, आप CNG यूज़ कर सकते हैं, आपके पास कैरोसिन अवेलेबल है, आप कैरोसिन यूज़ कर सकते हैं, आपके पास पेट्रोल अवेलेबल है, आप पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं, LPG जो भी फ्लेमेबल जो स्पार्क इग्निशन से इग्नाइट हो सकते हैं वो सारे फ्यूल इस इंजन में यूज़ किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर सपोज़ मान लीजिए आपके पास डीजल अवेलेबल है और आपके पास थोड़ा सा पेट्रोल अवेलेबल है, तो आप उन दोनों को ब्लेंड करके इसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये इंजन क्योंकि ये एसी कंप्रेसर के ऊपर ही बेस्ड है, तो ये हाईली कंप्रेशन यानी जो इसका कंप्रेशन रेशियो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जब इसका कार का जो इलेक्ट्रॉन मानी जो इस इंजन का इलेक्ट्रॉनिक है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक के अलावा जो इसकी मैकेनिकल चीज़ें हैं वो फ्यूल के हिसाब से ऑटोमेटिकली इंजन को एडजस्ट कर लेती हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा फ्यूल गाड़ी में यूज़ होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2, 3 और 4 और 5 सिलेंडर के इंजन का ऑप्शन है। क्यों ये 4 सिलेंडर के इंजन के ऑप्शन में नहीं आता? 4 सिलेंडर के इंजन के ऑप्शन में क्या होता है कि ये प्लस हो जाएगा और प्लस पॉइंट जो चलता है उससे शाफ्ट टूटने का खतरा होता है, लेकिन 5 सिलेंडर में क्या होता है कि ये स्टार शेप लेता है, और स्टार शेप में क्या हो जाता है कि जो छोटा सा गैप रह जाता है 4 सिलेंडर्स के बीच में ये उसको भर देता है, और इसमें 1 पिस्टन एक्स्ट्रा ऐड होने की वजह से एक्स्ट्रा पावर आपको मिल जाती है। एक तो ये इंजन अपने साइज़ से जो 5 सिलेंडर के इंजन इनलाइन है, मतलब किसी तरह के भी इंजन आते हैं उनसे ये 36% छोटा हो जाता है, 20% के करीब ये उससे हल्का हो जाता है, और साथ ही साथ इसमें बहुत ही कम पार्ट जो है वो लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इंजन का मेंटेनेंस भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, यानी बहुत कम हो जाता है। एक तो इसमें 3 स्पार्क प्लग लगते हैं, 3 इंजेक्टर्स हैं, और ये वेल्वलेस इंजन है। तो जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वेल्वलेस है तो इसका एयर इनटेक ये 4 स्ट्रोक इंजन कैसे हुआ, तो 4 स्ट्रोक ये इंजन होता है 1910 में कुछ मोटरसाइकिल आती थी उनमें क्या होता था, उनमें वाल्व लगते थे,
वो एक तरह के वाल्व क्या होते थे कि वो एग्जॉस्ट सिस्टम, जब एग्जॉस्ट प्रेशर की वजह से, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था एग्जॉस्ट में, तभी वो वाल्व खुलते थे, वरना वो वाल्व नहीं खुलते थे। इसलिए उन गाड़ियों में टक 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 करके साउंड आपको मिलती थी। एक तो इसमें फ्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, और इस इंजन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है सेम टू सेम एज ए कंप्रेसर काम करता है। इसमें एक शाफ्ट है जो इन पांचों पिस्टन को अपनी जगह पर बना कर रखती है। ऐसा नहीं है कि पिस्टन ऊपर चल रहे हैं तो सेंटर में शाफ्ट नहीं होगी। ये शाफ्ट जो है इंजन के फ्रंट से शुरू होती है और पीछे तक जाती है, जिसकी वजह से इसकी एक शाफ्ट जो है आगे से पीछे तक ही जाती है, और उसमें क्रैंकशाफ्ट, आपका फ्लाईव्हील सभी एडजस्ट होते हैं। इस इंजन में बहुत ही कम पार्ट हैं, जिसकी वजह से इसको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसमें प्लग इंजेक्टर काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि इसमें वाल्व नहीं है फोर स्ट्रोक इंजन होने के बावजूद। तो ये फोर स्ट्रोक की जो कैपेबिलिटी है वो भी रखता है, टू स्ट्रोक की जो कैपेबिलिटी है वो भी रखता है। तो जैसा कि आप वाल्व देख सकते हैं, वाल्व सिस्टम इसमें नहीं है, इसमें पोर्ट सिस्टम दिया हुआ है। और ये इंजन अपने साइज़ से काफ़ी ज़्यादा छोटा होने के साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पावर प्रोड्यूस भी करता है, तो इसलिए इस इंजन को काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी माना गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो अगर किसी वीडियो पर टॉपिक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।